कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा का आपका फिजिक्स का पेपर समझाऊंगा। जिस बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए ना, कंप्लीट कर लेना है ना, इसके अलावा पहले अलग से पढ़ना, पर ये पहले कर लो। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड, गैस के अणुओं की गति होती है त्रिविमी सेल्सियस तथा फॉरेन हाइड पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है -40 डिग्री, निम्नलिखित में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है अंश सेल्सियस, समतापी प्रक्रम नियत रहता है दाब, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, ये देख लीजिएगा, प्रतिबल का विमीय सूत्र है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है 332 मीटर सेकेंड होता है, परवलयाकार कहा जाएगा, यांत्रिक तरंगे केवल द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है, बल के आवेग का MKS मात्रक होगा N·s, वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं जड़त्वीय फ्रेम कहलाते हैं। पहला जो है उसका जाएगा बल इंटू समय अंतराल, विस्थापन का यहां से देख लीजिएगा, गैस समीकरण है आपका ये, चौथे का चंद्रमा की जो गति है, ठीक है, यहां से आज लिख देना है आपको आवर्ती गति, और अंतिम आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है। अब एक वाक्य में उत्तर, तो यहाँ पर देखिएगा जी इक्वल जाएगा जी एम स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, शून्य होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है, शून्य हो जाती है, ठीक है, किस ताप पर, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि ये कौन सा ताप है जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, तो ये आ जाएगा परम शून्य ताप पर, कि जाएगा परम या फिर पूर्ण शून्य ताप पर भी बोल सकते हैं आप, परम शून्य ताप पर, ठीक है। द्रव चालित विलिप्त के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखना है, तो देखिए जड़त्व यहां पर देखते हैं अपन, कोणीय संवेग इक्वल जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है। अब सत्य असत्य, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा। यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10 बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, तो है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, ठीक है भैया, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये आपका 12, 13, 14 घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ये आपका 16 हो जाएगा, 17, 18, 19, 20 टोटल 20 प्रश्न और 20 ही प्रश्न मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिए हैं।